नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उज्जैन के बड़नगर रोड पर चंदूखेड़ी गांव से कुछ दूरी पर तेज गति से आ रहे बस और ट्रक जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसमें 3 लोग गंभीर और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। उज्जैन से बड़नगर रोड पर चंदूखेड़ी गांव से कुछ दूरी पर तेज गति से आ रही बस और तेज गति से आ रहे ट्रक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस जोरदार भिड़ंत में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका उज्जैन के शासकीय हॉस्पिटल में उपचार जारी है। जैसे ही इस जोरदार भिड़ंत एक्सीडेंट की सूचना पुलिस कर्मियों को मिली, वैसे ही 100 डायल पुलिस कर्मी और चिंतामन थाना के पुलिस कर्मी पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से गंभीर घायल युवकों को एम्बुलेंस की मदद से जिला हॉस्पिटल भेजा गया। इस दौरान रोड पर आने जाने वाले वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और लंबा जाम लग गया। इस भीषण भिड़ंत की सूचना के बाद उज्जैन से SDM तहसीलदार सहित CSP रविंद्र वर्मा, CSP पल्लवी शुक्ला सहित अन्य विभाग के अधिकारी पहुंचे और व्यवस्था को संभाला। लगभग हमारे पास में 1 से 2 दर्जन के समथिंग पेशेंट आए हैं और जिसमें से 3 लोग थोड़े गंभीर हैं। हालांकि सबका हमने ऑपरेशन थिएटर में उपचार दिया है और संभवतः कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। 11 बजे के आसपास बड़नगर बाईपास पर एक बस जो बदनावर से बड़नगर होते हुए उज्जैन आ रही थी, ये BK यादव ट्रेवल्स की बस थी और ये चंदूखेड़ी के पास पेट्रोल पंप के साथ में जो ट्रक था वो आमने सामने से उसमें टकरा गए। जो घायल थे, घायलों को यहाँ जिला चिकित्सालय और जेल में लगभग 20 लोगों को एडमिट कराया गया। सभी की हालत अभी सामान्य है, सभी को इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है और जो बस का जो ड्राइवर क्लियर है उनको भी एडमिट कराया गया है। BCN न्यूज के लिए उज्जैन से महरुद्दीन कप्तान की रिपोर्ट। आगर मालवा में स्वर्गीय डॉक्टर कमल किशोर जी रावत की स्मृति में निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन हुआ है। स्वर्गीय डॉक्टर कमल किशोर जी रावल की स्मृति में निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन तनोडिया में किया गया, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ संजय जी जामलिया, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन रावल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित रावल, डॉक्टर आदित्य रावल द्वारा हृदय एवं मधुमेह एवं अन्य बीमारियों की जांच की गई एवं मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल मस्की के डॉक्टरों के द्वारा निःशुल्क आँखों की जाँच की गयी तथा 31 पेशेंट को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया है, जिन्हें बस के द्वारा मक्से लेकर गए। शिविर में आज 425 रोगियों का निशुल्क स्वास्थ्य का चेकअप किया गया, जिसमें शुगर एवं ब्लड प्रेशर की जांच निशुल्क की गई। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर दिनेश रावल, डॉक्टर SS चौहान, डॉक्टर जीवन सिंह गुर्जर, डॉक्टर राय, योगेश जैन मेडिकल स्टोर, ओम प्रकाश शर्मा, दिनेश कोठारी, सर्वेश घोसले, पिंटू, नरेंद्र कतरा, धर्मेंद्र सिंह, दिनेश तिवारी, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद नवाकुर सदस्यों ने सराहनीय योगदान दिया। BCN न्यूज के लिए आगर मालवा से अंकित दुबे की रिपोर्ट। पवई में समस्त रजक समाज द्वारा मां कल्ही मंदिर परिसर में अखंड राम धुन का संत गाड़गी बाबा जयंती 23 फरवरी के उपलक्ष्य में धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में रजक समाज के साथ गांव मोहल्ले के धर्म प्रेमियों ने हिस्सा लेते हुए धार्मिक आयोजन का आनंद ले रहे हैं। 22 जनवरी को अखंड राम धुन का आयोजन किया गया है। रजक समाज धर्मशाला में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रजक साथियों सहित नगर के भक्तों से निवेदन है कि प्रसाद ग्रहण जरूर करें। सोमवार को राम धुन समापन के बाद सोमवार की सुबह धर्मशाला परिसर में श्रद्धालुओं और हवन पूजन के साथ पूर्णाहुति की जाएगी। इस पूर्णाहुति के बाद परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा एवं साथ ही संत गाड़गी बाबा जयंती मनाई जाएगी। अखंड राम धुन से नगर सहित आसपास के परिसर में ज्ञान गंगा का रसपान करने का नगर के धर्म प्रेमियों को अवसर मिला है, साथ साथ भंडारे में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। समस्त रजक समाज का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आज सुबह 10 बजे से श्री राम धुन का आयोजन हुआ है। यह 24 घंटे का रहेगा और कल जो है भंडारे का कार्यक्रम है। समापन में भंडारा के बाद सभी समाज के बंधु लोग आएंगे, उसमें श्री गाड़गी महाराज की जयंती मनाई जाएगी। BCN न्यूज के लिए पन्ना से कैलाश पांडे की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।